हेलो एवरीवन, लेट अस डिस्कस सम करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त एंड सितंबर 2020। आज का हमारा पहला टॉपिक है कवकास 2020। ये क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, आल्सो नोन एज कॉकसस 2020। ये रूसी रणनीतिक कमांड पोस्ट सैन्य अभ्यास है। इसमें SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और सेंट्रल एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था, लेकिन कोविड के चलते इंडिया ने अब मना कर दिया है। इट इज़ अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ये 4 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। पहले 2012 और 16 में हो चुकी है। 2020 में ये सदर्न रशिया के अस्त्राखान प्रोविंस में कंडक्ट करवाई जाएगी। केशवानंद भारती, इनका हाल ही में निधन हो गया है। केशवानंद भारती इडनीर मठ के प्रमुख थे। RAS प्री मेंस या किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए आप सब उसके बारे में जानते होंगे। केशवानंद भारती संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता थे। 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। इस फैसले के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चन की सेट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि केशवानंद भारती को संविधान का रक्षक क्यों कहा जाता है, इस फैसले के कारण ही कहा जाता है, तो आंसर आप देख लें। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा उद्यान कहाँ है? असम में। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। 1950 में इसे काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया था। 74 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया और फिर इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। असम की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि काजीरंगा के एरिया को 3,053 हेक्टेयर से एक्सपेंड किया जाएगा। लगभग 35 साल बाद यह एक्सपेंशन हो रहा है। दीज एडिशंस आर हैबिटेट कॉरिडोर्स। इससे कनेक्टिविटी में मदद मिलेगी, जो बाकी दूसरे नेशनल पार्क्स है जैसे ओरांग और नामेरी, उनमें कनेक्टिविटी स्थापित होगी। कार्बी एंगलोंग हिल्स और साउथ ऑफ द पार्क में कनेक्टिविटी स्थापित होगी। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सुचारू किया जा सकेगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकेगा। द काजीरंगा नेशनल पार्क होस्ट 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरोस। एक सींग वाला गैंडा 3 एशियाई गैंडों में सबसे बड़ा है। अन्य 2 होते हैं सुमात्रन गैंडा और जावन गैंडा। एशियाई गैंडे की सुरक्षा के लिए भारत ने कई देशों से भी सहयोग लिया है। गैंडों के संरक्षण के लिए एशियाई गैंडों पर 2019 में एक घोषणा पत्र निकाला गया था। IUCN स्टेटस इस गैंडे का वल्नरेबल था, पर अप्रैल 2020 में इसे थ्रेटन्ड कर दिया गया है। इंडियन राइनो विजन 2020 क्या है? 2005 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है राइनोज की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को 3000 तक पहुँचाना। And this is to be achieved in at least 7 protected areas. Mission Karmyogi. Mission Karmyogi हाल ही में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवा क्षमता निर्माण को मंजूरी दी है। National Program Services Capacity Building is known as Mission Karmyogi. It is to be launched with this institutional framework. इसमें संस्थागत ढांचे के रूप में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद होगा, क्षमता निर्माण आयोग, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई, डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व और संचालन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन, एक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई। द प्रोग्राम वॉज डिजाइन टू ले फाउंडेशंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। The program will enhance the Indian cultural values and sensibilities among the civil servants. यानी
यह कार्यक्रम सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए नींव रखने के लिए बनाया गया है। यह कार्यक्रम सिविल सेवकों के बीच भारतीय संस्कृति मूल्य और संवेदनाओं को बढ़ाएगा। कार्यक्रम के लिए एक आईगॉट कर्मयोगी मंच स्थापित किया जाएगा। आईगॉट क्या होता है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इसके सिद्धांत होंगे ऑन साइट सीखने पर जोर देना, मानव संसाधन प्रबंधन के लिए नियम आधारित से भूमिकाओं पर आधारित परिवर्तन का समर्थन करना, साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना, सिविल सेवा पदों को जांचना, सिविल सेवकों को उनके व्यवहार और कार्यात्मक डोमेन दक्षताओं को और मजबूत करने के अवसर देना, बेस्ट इन क्लास कंटेंट क्रिएटर्स से साझेदारी करना, इसमें स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थान और व्यक्तिगत विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। सोलर एनर्जी का काफ़ी स्कोप है और इसके बारे में चर्चा कहीं ना कहीं चलती ही रहती है। तो अभी इंडिया ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया है। भारतीय सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया है। इसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लगाया गया है। सालाना स्तर पर एक सोलर ट्री से 12,000 से 14,000 के बीच स्वच्छ ऊर्जा जनरेट होगी। एक सोलर ट्री में अधिकतम 35 सोलर फोटोवोल्टेक पैनल लगाए गए हैं। इसमें से प्रत्येक 330 वॉट पार की ऊर्जा जनरेट करता है। एक ट्री का कॉस्ट 7.5 लाख पड़ेगा। सोलर ट्री 10 से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकेगा। इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे? इट कैन बी अलाइंड विद एग्रीकल्चर टू सब्स्टिट्यूट प्राइस वोलेटाइल फॉसिल फ्यूल्स। जो एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी जगह इसका प्रयोग किया जा सकेगा। इट कैन रिड्यूस 10 to 12 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। द सरप्लस पावर फ्रॉम दीज ट्रीज कैन बी फेड टू द एनर्जी ग्रिड। यह सोलर ट्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। द सोलर ट्री ऑल्सो हैज कैपेबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड फीचर्स। इस सोलर ट्री से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी लगाया जा सकता है जिसकी मदद से खेतों की निगरानी की जा सकती है। साथ ही खेती में रियल टाइम नमी, हवा की स्पीड, बारिश के अनुमान और एनालिटिकल सेंसर्स की मदद से जमीन की उर्वरता का भी पता लगाया जा सकेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये डच ऑथर मैरिकी ल्यूकस को दिया गया है। मैरिकी ल्यूकस हैज़ बिकम द यंगेस्ट टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, मैन बुकर प्राइज अलग होता है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया का सर्वोच्च लिटरेरी ऑनर कौन सा है? अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उस पे अवार्ड्स की चर्चा है, आप देख सकते हैं। फॉर हिज डेब्यू नॉवल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये ल्यूकस की डेब्यू नॉवल थी, इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ही इज़ टू शेयर दिस प्राइज विद बुक्स ट्रांसलेटर मिशेल हचिनसन। ल्यूकस इज द थर्ड ऑथर टू बी नॉमिनेटेड टू द इंटरनेशनल बुकर प्राइज आफ्टर टॉमी वियरिंगा एंड हैरी म्यूलिश। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इंडिया पहली बार टॉप 50 कंट्रीज में आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत का स्थान 52वां था। भारत अब शीर्ष 50 उन्नतिशील देशों में शामिल है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO हर साल इस रैंकिंग को जारी करता है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US और UK टॉप 4 रहे हैं और नीदरलैंड्स 5th नंबर पे। इंडिया वॉज द थर्ड मोस्ट इनोवेटिव लोअर मिडिल इनकम कंट्री। इस इंडेक्स की थीम इस साल थी हु विल फिनेंस इनोवेशन। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स। ये नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस से मिलकर। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस सूचकांक में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अमंग द लैंडलॉक्ड स्टेट्स, राजस्थान वॉज द टॉप परफॉर्मर, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड हरियाणा। तो क्योंकि राजस्थान का नाम आ गया है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। लैंडलॉक स्टेट्स में राजस्थान फर्स्ट आया है। हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड ने, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। अमंग द स्टेट्स दैट इनिशिएटेड स्टेप्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड टॉप द लिस्ट। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, उसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का। द रिपोर्ट सेज दैट 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया आर डोमिनेटेड बाय फाइव स्टेट्स, नेमली महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ये डेटा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट कौन सी स्टेट से जा है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स परफॉर्म वेल ऑन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देर आर ओनली 10 स्टेट्स इन द कंट्री दैट प्रोवाइड ट्रेड गाइड एंड ओनली 15 स्टेट्स इंश्योर्ड ऑनलाइन पोर्टल टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू एक्सपोर्टर्स। पॉलिसी पैरामीटर्स पर महाराष्ट्र ने टॉप किया है, फॉलोड बाय गुजरात एंड झारखंड। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, फॉलोड बाय ओडिशा एंड राजस्थान। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में मिजोरम हैज लेड द इंडेक्स, फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। अगली हम चर्चा करेंगे पौलोमी घटक की। ये टेबल टेनिस स्टार हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों में और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। 16 साल की उम्र में पहली बार सिडनी ओलंपिक्स में प्रवेश किया था। यह पश्चिम बंगाल की रहने वाले, 96, 98 और 99 में तीन जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप इन्होंने जीती। 98 और 2016 के बीच 7 वरिष्ठ चैंपियनशिप्स भी जीती। 2018 में उन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 22वें स्थान पर रखा गया। अब पौलोमी अपने पति सौम्यदीप राय के साथ उनकी अकादमी में युवा खिलाड़ियों की कोचिंग में शामिल हुई हैं, जिसका उद्घाटन जून 2019 में ही हुआ था। इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। 2006 में इन्हें एसएएफ गेम्स में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता। 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य जीता। 2007 में कॉमनवेल्थ में कांस्य जीता। 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत जीता और 2012 में एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है? इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में टेबल टेनिस ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स आज के कंप्लीट होते हैं। शेयर द वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।